इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर भारत के दर्शनीय स्थलों के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का संचालन कर रही है। यह ट्रेन आगरा में ताजमहल और लाल किला, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कटरा में माता वैष्णो देवी, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और बाघा बॉर्डर, हरिद्वार में हर की पौड़ी और मनसा देवी मंदिर, दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल इत्यादि दर्शनीय स्थलों के दर्शन करवाएगी। यह ट्रेन रेनेगुंटा स्टेशन से 27 अगस्त 2021 को रवाना होगी। यात्रियों को बोर्डिंग की सुविधा हेतु नागपुर रेलवे स्टेशन को भी निर्धारित किया गया है, जिसके लिए आरक्षण भी शुरू हो गया है। इस यात्रा पैकेज में यात्रियों को स्लीपर और थर्ड एसी में रेल किराया, स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए धर्मशाला डॉर्मेट्री में फ्रेश होने या रात्रि विश्राम की सुविधा और एसी क्लास के यात्रियों के लिए एसी होटल में फ्रेश होने या रात्रि विश्राम की सुविधा होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। नॉन एसी बसों द्वारा दार्शनिक स्थलों का भ्रमण और यात्रा बीमा भी शामिल है। कोरोना को स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 11 दिन की इस यात्रा के दौरान यात्रियों को स्लीपर क्लास में प्रति व्यक्ति मात्र 10,400 रुपए और एसी के लिए 17,330 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। ये पिलग्रिम स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है, इसके अंतर्गत उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा और इसमें जो यात्रा शुल्क है 10,400 रुपया स्लीपर क्लास के लिए और 3 AC के लिए 17,330 रुपया है। इसी मूल्य पर ट्रेन टिकट, यात्रा बीमा, तीनों वक्त का शाकाहारी भोजन और नॉन एसी बस के द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट, एक दिन मास्क सैनिटाइजर इसकी व्यवस्था रहेगी। देखिए 27 अगस्त को इसका ये जो ये यात्रा शुरू होगी, तो जितने भी यात्री हमारे पास उपलब्ध हैं उसी पर भी ही हम लोग ये यात्रा निश्चित रूप से इसको चलाएंगे। उक्त संबंध में अधिक जानकारी हेतु IRCTC की 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 7670908323 और 8287932242 में संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।